जिस दिन अर्जुन तेंदुलकर बैटिंग करेगा नंबर 3 ओपन करेगा T20 में, आप मेरे से लिख के ले लो, मुझे नहीं पता उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो वो ऐसा बैट्समैन बनेगा कि दुनिया याद करेगी। मैं आज भी बोलता हूँ बैट्समैन बोलर, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट उसको एक चांस दे के जा बेटा 3 नंबर पे खेल, ओपन कर, तेरे को 5 ओवर दिए। और मैं उसको हमेशा बोलता हूँ अगर तू सीधा मारेगा ना यूवी की तरह, ये आड़ा पाड़ा शॉट नहीं मारेगा, तो सर वो खड़ा खड़ा बहुत कुछ करेगा। और यहाँ एक भी लेजेंड पैदा हो गया तो मैं समझूंगा पौधा लग गया बगीचा, आने वाले लोग सेवा करेंगे आपकी सेवा, यही मेरा काम है, यही मेरा फर्ज है और यही मैं चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ड्यूटी लगा रखी। ये प्रेशर कुकर तो है नहीं कि डाला बच्चा तो तब तेंदुलकर बन गया, डाला कुकर में तो युवराज बन गया या सहवाग बन गया, इसके लिए बहुत कड़ी सख्त मेहनत चाहिए, सबका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और यहाँ पे पुन साहब ने और उनके बेटे ने, ये सारे लोगों ने मिल के, नीना जी, सुखराज जी, शंभू जी, सब लोगों ने मिल के मुझे एक नौकरी दी है श्री साईं यूनिवर्सिटी में, और इस नौकरी को मैं कबूल करता हूँ और ये वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक इस एकेडमी की सेवा करते हुए, आप लोगों की दुआएं से, खुदा की दुआ से, यहाँ से लोग, यहाँ से बच्चे IPL खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे। और यहाँ एक भी लेजेंड पैदा हो गया तो मैं समझूंगा पौधा लग गया बगीचा, आने वाले लोग सेवा करेंगे आपसे सेवा करेंगे, यही मेरा काम है, यही मेरा फ़र्ज़ है और यही मैं चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ड्यूटी लगा रखी। और इस एकेडमी से यहाँ ऐसे फूल खिलेंगे आप लोगों के साथ से, आप लोगों की दुआओं से, कि पठानकोट की धरती पे ये मान होगा कि हाँ एक योगराज सिंह गरीब सा बच्चा आया था और उसने एक प्रफुल्लत करके यहाँ से हिंदुस्तान के लिए, IPL के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बच्चे पैदा होंगे। लेकिन ये प्रेशर कुकर तो है नहीं कि डाला बच्चा तो तेंदुलकर बन गया, डाला कुकर में तो युवराज बन गया या सहवाग बन गया, इसके लिए बहुत कड़ी सख्त मेहनत चाहिए, सबका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। जी सर, आप अगर ये बात ना कहते तो मैं कह देता, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने सवाल पूछा। मैं मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के इल्तजा कर रहा हूँ कि भाई लोग, आप लोग बहुत सियाने लोग हो, एक लड़का यहाँ आया 12 दिन रहा, वो उसको आपको मालूम होना चाहिए वो बैट्समैन कैसा है। यही मैं कहता हूँ कि कोचिस को ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट में और क्या क्या जो टैलेंट है उसको आगे लेके आऊँ। मैं आपसे आज ये बात दोबारा कहता हूँ और कहता आया हूँ कि जिस दिन अर्जुन तेंदुलकर बैटिंग करेगा नंबर 3 ओपन करेगा T20 में, आप मेरे से लिख के ले लो, और मुझे नहीं पता उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो वो ऐसा बैट्समैन बनेगा कि दुनिया याद करेगी। मैं आज भी बोलता हूँ बैट्समैन बोलर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट उसको एक चांस दे के जा बेटा 3 नंबर पे खेल, ओपन कर, तेरे को 5 ओवर दिए। और मैं उसको हमेशा बोलता हूँ अगर तू सीधा मारेगा ना यूवी की तरह, ये आड़ा पाड़ा शॉट्स नहीं मारेगा, तो सर वो खड़ा खड़ा बहुत कुछ कर जाएगा।